हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर वर्क्स। और दोस्तों, ये मेरा लिनोवो का आइडियापैड 510 लैपटॉप है, जिसका तकरीबन एक साल पहले हिंज ब्रेक कर गया था। उस चीज को मैंने लिनोवो सर्विस सेंटर में रिप्लेस करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कीमत तकरीबन मुझे 20,000 के आसपास में बताया गया। उस पर मुझे एक्सटेंडेड वारंटी भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपका फिजिकल डैमेज है तो इसलिए इसके अंदर कवर नहीं होगा। सो आई फाइनली डिसाइडेड कि उसे क्यों ना मैं फिक्स करूं, और मैंने उस चीज को फिक्स किया और आप लोगों से मैंने वीडियो शेयर किया। उस वीडियो के ऊपर आप लोगों के बहुत सारे रिस्पॉन्स आए, बहुत सारे कॉमेंट्स आए कि हमारे लैपटॉप में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, हमें भी कुछ टाइम यूज करने के बाद लैपटॉप में इस तरीके के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, हम अपना लैपटॉप यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो ही हम अपना लैपटॉप यूज करते हैं तो बाकी कंपोनेंट्स भी ब्रेक हो रहे हैं। आप लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई आप बताइए कि आपने जो फिक्स किया वो आपका कितना सही है और कैसा चल रहा है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि तकरीबन एक साल से ऊपर हो गए इसको फिक्स किए हुए। उस हिंज को मैंने सेल्फ फिक्स किया था और अभी तक मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, और आज मैं वो चीज आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहां से जो है हिंज ब्रेक हुआ था और अभी जस्ट मैंने इसे ओपन किया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि अंदर का जो हिंज है वो अभी भी अटैच है कि नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि अगर आप अपने लैपटॉप के हिंज को फिक्स करना चाहते हैं तो वो चीज कितना सही रहेगा आपके फ्यूचर यूज के लिए। तकरीबन एक साल से ऊपर हो गए मुझे इसको यूज करते हुए और अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आप देख सकते हैं, ये जो आपको ग्लू दिख रहा है ये जस्ट मैंने अभी ओपन किया है, बाकी यहाँ पे आप ग्लू देख सकते हैं बिल्कुल ही फिक्स है। चलिए एक बार हम इसे ओपन करते हैं और फिर अंदर के हिंज को देखते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, लिनोवो आइडियापैड 510 विद DDR4 रैम। इसमें आपको i5 7th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है। वैसे तो इस लैपटॉप को यूज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इसका एक साल वारंटी का पीरियड ओवर हुआ, यहां से हिंज ब्रेक कर गया। अब जब कभी भी मैं इस फ्लैप को ओपन करता था तो वो धीरे 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 ये सारे कंपोनेंट्स को ब्रेक कर रहा था और ऐसे ये आ रहा था, जो बहुत ही वियर्ड था। मुझे लग रहा था कि मेरा लैपटॉप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फाइनली लिनोवो में कॉन्टेक्ट करने के बाद मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो मैंने डिसाइड किया उसको मैं खुद फिक्स करूंगा। वो चीज मैंने फिक्स करी और आज मैं आपको उसका रिव्यू देता हूं कि वो फिक्स एक साल से ऊपर हो गए हैं कितना सही से लगा हुआ है, और अगर आप लोग अपने एंड पे उसको करना चाहें तो किस तरीके से उसको कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसे जस्ट मैंने अभी ओपन किया है इसलिए ये ग्लू आपको अलग दिख रहा है, बाकी ये हिंज का पोजीशन है जहां पे हिंज बहुत ही सही तरीके से फिक्स है और अभी तक इसमें कोई क्रैक भी नहीं आया है। तो जिस तरीके से मैंने इसको फिक्स किया था उस तरीके से ये बहुत सही काम कर रहा है और आगे भी ऐसे ही काम करता रहेगा। इसको मैंने यहां से ब्रेक कर दिया है, इसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर होने नहीं वाला है क्योंकि ये इसका कवर है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी लिनोवो लैपटॉप के साथ हिंज के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उस चीज को फिक्स करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, और मैं समझता हूं कि काफी लंबे समय तक फिर आप अपना सिस्टम यूज कर सकते हैं, लिनोवो का सिस्टम यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई आपका फ्लॉ नहीं है या आप सही तरीके से लैपटॉप यूज नहीं कर रहे हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। क्योंकि आपके एंड पे उस वीडियो को अपलोड करने के बाद जो कमेंट्स आए, आप लोगों के जो रिस्पांस आए, मुझे यही लगा कि ये एक मेरे लैपटॉप के साथ ही नहीं है, ये सभी लैपटॉप के साथ है। लिनोवो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसमें ये हिंज की प्रॉब्लम है, फ्लैप को बार बार ओपन और क्लोज करने पे ये धीरे धीरे यहाँ का जितने भी स्क्रूज होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और हिंज यहाँ से बाहर निकल जाता है। सो फ्रेंड्स, आपने अपने कमेंट्स के थ्रू मुझसे रिव्यू मांगा था कि आपने जो फिक्स किया अपना लैपटॉप वो कैसा चल रहा है, तो ये मेरा रिव्यू है। आप लाइव देख सकते हैं कि ये मेरा हिंज प्रॉपरली आज तक बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स हो रखा है और मैं अपने लैपटॉप को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट किसी भी डर के कि कहीं मेरा अदर कंपोनेंट्स तो ब्रेक नहीं कर जाएगा, कहीं मेरे स्क्रीन पे इफेक्ट तो नहीं आएगा या कोई अदर वायर तो हिल नहीं जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इंस्पायर वर्क्स फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।